हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू द सीरीज दैट इज सीएससी 2023। द काउंटडाउन बिगिंस नाउ। द गोल इज टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑब्वियसली कंप्लीट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द न्यूज़पेपर। मेरे स्टूडेंट्स को मैं पर्सनल इंस्ट्रक्शन साथ में देता रहता हूँ कि आपको क्या देखना है, कैसे करना है, और ये मेरी लीड है उनके लिए ताकि वो इसको एक हॉलिस्टिक और एक पूरे के पूरे फिनोमिनल तरीके से देखें। कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी हो, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हर ऑप्शन के पीछे एक फिनोमिना है। इवन हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य का जो भी मेरा एक स्टूडेंट है, मैं उनको भी यही कहता हूँ कि भाई इन सब के पीछे भी एक फिनोमिना है। तो ये फिनोमिना हम कोशिश करते हैं इस सीरीज में समझने की और उसको डिमिस्टिफाई करने की। ऑब्वियसली लॉट मोर इज रिक्वायर्ड, बट देन ये जरूर आपको सपोर्ट करेगा ताकि आप राइट डायरेक्शन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकें। सो स्टार्टिंग अप विद वन ऑफ द इश्यूज व्हिच इज देयर, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कैन यू टेक द राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन टू स्कूल विद यूनिफॉर्म। कैन यू टेक राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन टू स्कूल विद यूनिफॉर्म। आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन क्या आप उस बात को, रिलीजन को, स्कूल यूनिफॉर्म में लेके जाएंगे? ये एक चर्चा का विषय है। लेकिन एग्जामिनेशन भले ही आपसे हिजाब नहीं पूछेगा, एग्जामिनेशन 2022, 2023, 2024 में भी ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन इसके पीछे की सोच तो रही। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, हम बात करते हैं। दैट यू मे हैव राइट टू प्रैक्टिस वट एवर यू वॉन्ट टू, बट कैन यू टेक द राइट टू स्कूल। तो आंसर क्या मिला कि भाई एक मिनट के, अगर मान लीजिए यू हैव राइट टू वेयर स्कार्फ, यू हैव राइट टू वेयर हिजाब, यू हैव राइट टू फील द वे यू लाइक का, बट क्या आप हिजाब को, क्या आप किसी भी ऐसे ड्रेस अटायर को आप वहां लेके जाएंगे जहां पर एक यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है? तो बात यह हुई कि एक आर्गुमेंट आया, कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 इन्वोक किया गया क्योंकि वो जो है बात करता है कि सर्टेन अटायर होना चाहिए। तो क्वेश्चन अराइजेस कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, जब वो इन्वोक करती है अपने रूल को, देन इट इज नॉट सेइंग कि हम किसी राइट को डिनाई कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आपको जो यूनिफॉर्म बोली जाए, उस यूनिफॉर्म को पहनकर आप आइए। बहुत ही इंटरेस्टिंगली चुन्नी और जब हिजाब की चर्चा की गई, तो कोर्ट ने बड़ी इजीली और बहुत ही फर्म तरीके से ये बात की कि चुन्नी जो है शोल्डर्स पे होती है और चुन्नी और हिजाब का कोई कंपेरिजन नहीं है, इट्स ए फॉल्स कंपेरिजन, दैट्स व्हाट वी कैन से। इसी चर्चा को जब हम और आगे बढ़ाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को समझाने की कोशिश की, आर्ग्यूमेंट्स अभी कंटिन्यू है, बट दिस विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग कि मेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस के पीछे बैकग्राउंड में क्या चलता है। बात यह है कि जब बात यह हुई कि कॉन्स्टिट्यूशनल इशू इसमें इन्वॉल्व है, लाइक वेदर वियरिंग हिजाब इज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस और नॉट, ये बात तो अभी चली रही है, तो उन्होंने कहा कि शायद वो एसेंशियल प्रैक्टिस हो भी सकती है, चाहे नहीं भी हो सकती है, लेकिन किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, क्या आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, किसी भी संस्थान में, क्या आप रिलीजियस प्रैक्टिस की बात करेंगे? क्योंकि हमारा प्रीएम्बल तो हमें कहता है कि हम सेकुलर हों, ये एक दलील दी गई। देन और एग्जांपल उठाए गए, फॉर एग्जांपल समवन सेड दैट, हमने देखा है जो जजेस आते हैं वो तिलक पहन के आते हैं, हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे जजेस जो है पगड़ी पहने हुए होते हैं, पेंटिंग है किसी जज की एक पगड़ी पहने हुए, इस बात की आर्ग्यूमेंट और चर्चा भी की गई। तो कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि पगड़ी प्रैक्टिस की जाती थी रॉयल कोर्ट्स के अंदर, रॉयल स्टेट्स के अंदर, हमारे बुजुर्ग भी पगड़ी पहनना बहुत ही उनके उनके डेली अटायर और डेली उनके कल्चर का पार्ट था, तो इसलिए पगड़ी कोई रिलीजियस इंसिग्निया नहीं है। जब ये बात की गई, फ्रांस जो है वो बहुत ही कट्टरता से सेकुलरिज्म को प्रैक्टिस करता है, और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसा इशू है जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल का कंसर्न है जो कि ड्रेस कोड से कंप्लाई तो करते हैं लेकिन वो हिजाब भी पहनना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिजाब इज समथिंग दैट अफेक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज एंड सिविलाइजेशंस। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो ऑब्वियसली बहुत ही मोमेंटस होगा, और वो सुप्रीम कोर्ट जो इसमें कहते हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट होगी वो बहुत आगे आगे तक जाके आएगी। तो पॉइंट ये है, समझने की बात ये है कि कल को एज अ सिविल सर्वेंट, कल को एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एज एन आईपीएस ऑफिसर, आपको भी ऐसे मुद्दों को सामना करना पड़ेगा। तो एक विचार यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट ऑर्डर कहता है कि भाई आपको सिर्फ स्कूल में स्कूल ड्रेस पहननी है और आपको वो डिटरमाइन किया जाएगा गवर्निंग बॉडीज के द्वारा, गवर्निंग बॉडी डिटरमाइन करेंगे स्कूल की ड्रेस क्या होगी। अब हर इंस्टीट्यूशन के लिए तो ड्रेस प्रिस्क्राइब नहीं है,
रूल 11 लेकिन कहता है कि रिकॉग्नाइज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रिस्क्राइब की जा सकती है, इसीलिए हम आपसे डायरेक्शन मांग रहे हैं कि क्या किया जाए। तो इंस्टीट्यूशन एक स्टेट में अगर प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म को पहनते हैं, लेकिन कुछ अगर वो प्रोहिबिट ड्रेस को पहनने की बात करेंगे तो नेचुरली उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि जो गवर्नमेंट का डिसीजन था वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में लगेगा कि प्राइवेट में लगेगा, क्वेश्चन ये है कि एक प्रिस्क्राइब ड्रेस है और उस ड्रेस कोड का पार्ट हिजाब नहीं है। दैट इज व्हाट इज द पॉइंट व्हिच इज गोइंग ऑन। सो आइडिया ये नहीं है कि हिजाब इज एसेंशियल और नॉट, डेफिनेटली वो तो फिर एक बात आई तो उस बात की एक चर्चा है, लेकिन पॉइंट ये है कि जो भी ड्रेस कोड बोला जाए वो ड्रेस कोड फॉलो होना चाहिए। दैट इज व्हाट इज वन ऑफ द इश्यूज। गवर्नमेंट कॉलेजेस में अथॉरिटी जो है वो कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल को दी जाती है, जिसके अंदर स्कूल के कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, जिसमें टीचर्स भी होंगे, लोकल एमएलए भी होंगे, SC ST भी होंगे, वो प्रिस्क्राइब करेंगे यूनिफॉर्म। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वो ये कहते हैं कि उनकी गवर्निंग बॉडी अगर किसी ड्रेस को प्रिस्क्राइब करती है तो वो मानी जाएगी। तो यानी कि अगर कोई रिकॉग्नाइज प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो हिजाब को अलाउ करता है तो ठीक है, वो हिजाब को अलाउ कर सकते हैं। देयर मे बी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विच मे बी रन बाई यू नो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन लाइक इस्लामिक मैनेजमेंट, जिन्होंने अलाउ किया हुआ है। तो स्कोप क्या हुआ जो रूल आया कर्नाटका गवर्नमेंट का कि भाई आप हिजाब इज नॉट पार्ट ऑफ द ड्रेस एंड इट इज नॉट कैन नॉट बी टेकन। तो रूल ये है कि भाई ड्रेस प्रिस्क्राइब ड्रेस होनी चाहिए, लेकिन फिर ये दलील दी गई कि भैया क्या आप किसी स्टूडेंट को क्लासरूम से इसलिए डीबार कर दोगे कि उसने पर्टिकुलर एक ड्रेस नहीं पहनी है? क्या आप एक वुमेन एजुकेशन को कंप्लीटली इस बात पर डिपेंडेंट कर दोगे कि उसका अटायर क्या है? क्या आप किसी वुमेन को कॉलेज से एक्सक्लूड कर दोगे एजुकेशन से क्योंकि उसने वो ड्रेस नहीं पहना है? ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड में इस प्रकार ही कैंडिडेट से पूछे जाते हैं। क्या आप किसी ग्रोन अप वुमेन को बोलेंगे कि उसको अपनी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, अपनी मॉडेस्टी के ऊपर वो क्या कपड़े पहनना चाहती है? ये भी दलील दी जा सकती है बोर्ड मेंबर के द्वारा कि लोकल एमएलए और पॉलिटिशियन जो भी करेंगे उसकी कोई लीगल सैंक्टिटी तो है नहीं। अब अगर कोई आपसे पूछता है, बोर्ड मेंबर आपसे पूछता है कि भाई गोल्फ कोर्स का भी एक ड्रेस कोड होता है, अब क्या हम कह सकते हैं उसको भी हम फॉलो नहीं करेंगे? तो गोल्फ कोर्स पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या वो प्राइवेट बॉडी है, क्या वो पब्लिक बॉडी है। वो पब्लिक स्पेस है, वो प्राइवेट बॉडी नहीं है। रेस्टोरेंट्स में भी एक ड्रेस कोड होता है, बहुत जगह ऐसा है। तो इसीलिए बात कॉन्टेक्स्ट की आ जाती है। तो काइंड ऑफ एजुकेशन जो हमारा 1983 एक्ट बोलता है, और बात करता है कि वेदर इट्स प्रोहिबिट्स एनी फिक्सेशन ऑफ फिक्स ड्रेस कल्चर, तो अब कुछ तो होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ना कि स्कूल के स्टूडेंट जो है मिनीज में मिडीज में उसमें भी आ जाएंगे। तो इसीलिए कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, इसीलिए जब कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर आ जाएगी। इसीलिए ये जो मुद्दा है, ये जो चल रहा है कि हाई कोर्ट ने जो स्टेट किया कि वेयरिंग हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लाम एंड द फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ये बात। और दूसरी बात क्या है कि भाई कॉलेज में अगर स्कूल में अगर हिजाब पहनना अलाउड नहीं है तो वो यूनिफॉर्म का पार्ट अगर नहीं है तो आप नहीं पहन सकते, क्या कॉन्स्टिट्यूशनली परमिशेबल है? इसकी बात चल रही है, तो ये चर्चा अभी चलेगी। कमिंग बैक टू अनदर न्यूज आइटम ऑन द पेज नंबर 1, बात हुई कि शिबू सोरेन साहब ने ट्रस्ट वोट जीता, यानी अपोजिशन पार्टी ने वॉकआउट किया। ये भी एक तरीका बन रहा है। तो आपको सोचना है कि टैक्स पेयर्स मनी क्या ऐसे में क्या जो राज्य सरकार है क्या रियली में वो हेल्प कर पा रही है? क्या वो रियली में ऐसी पॉलिसीज बना पाएगी? तो आप अपने एसे में क्या लिखेंगे? ऐसे एथिक्स के केस स्टडी में आप डेलिमा कैसे शो करेंगे? इसीलिए विजनरी होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स का। राजपथ का नया नाम है कर्तव्य पथ, तो कर्तव्य पथ के नाम उसका उसका राज धर्म पथ भी हो सकता था, ऐसा लोगों ने सजेस्ट किया, तो कर्तव्य पथ इसका नाम है। तो ये एक मीनिंगफुल चेंज है, राजपथ नहीं है, वो कर्तव्य पथ है। तो अब इससे आपको अंदाजा लगाना है, इससे सोचना है कि एक जो देश की दिशा है, लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, वो भी सिविल सर्वेंट से जुड़ी हुई हैं। सेकंड एलिमेंट अगर मैं लूं तो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी की बात हो रही है, तो एक्साइज पॉलिसी के अंदर जो चेंजेस आए उसके अंदर बहुत सारे सवाल उठाए गए, उसमें सिविल सर्वेंट्स भी इन्वॉल्व हैं। तो आपको ऐसा बताना है, आपको ऐसा पता होना चाहिए दो लाइनों के अंदर कि व्हाट काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट शुड बी देयर इन द पॉलिसी मेकिंग इन अ राइट वे बाय द सिविल सर्वेंट्स। अब कहने का मतलब ये हुआ क्या, अभी बताया अगर मैं नटशेल में आपको दो लाइन में बताऊं तो यही है कि जो नई एजुकेशन नई जो एक्साइज पॉलिसी थी उसके अंदर लाइसेंस फी इतनी ज़्यादा आपने चार्ज कर ली, एक हाई अपफ्रंट आपने एक्साइज फी चार्ज कर ली, और उसका सिर्फ 1% आपने वैट लिया, 1% आपने वैट लिया, तो इसका मतलब जो है करप्शन जो है डिसइंसेंटिवाइज हो गया एक तरीके से,
क्योंकि वेंडर्स को कोई रीजन ही नहीं होगा अपनी सेल को कम दिखाएं, वो जो वैट उस पर 1% ही हो गया, वो तो जितनी सेल बढ़ाएंगे उसको उनको फायदा ही फायदा है, उसमें फिर सेल भी बढ़ गई और उसके बाद जो है आपने अपफ्रंट पैसे भी दे दिए, आप जो मर्जी करो, और आप दूसरा जो है दूसरे लोगों को भी दे सकते हो। तो ये जो लाइसेंस की पॉलिसी थी इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, एंड इट इज स्टिल अंडर देयर, इट इज अंडर कंसिडरेशन बाई द CBI। अर्शदीप सिंह का एक कैच, अगर आपने क्रिकेट मैच देखा था या नहीं देखा था, और उनके बारे में विकिपीडिया पे भी अपमानजनक या आपत्तिजनक शब्दों का लिखा जाना, क्या दर्शाता है ये? ये दर्शाता है शॉर्ट साइटेडनेस, ये दर्शाता है इल टेम्पर्ड बिहेवियर, ये दर्शाता है कि ये पब्लिक में किसी के साथ भी हो सकता है, ये दर्शाता है कि हमें उससे पीछे नहीं हटना है, ये आपको रिएक्ट ही नहीं करना है, दैट्स व्हाट वी कैन से। अगर आप एक IPS ऑफिसर हैं और आपसे पूछा जाता है कि अनमैन्ड बैरिकेड को आप कैसे संभालेंगे, या क्या आप हाई कोर्ट के बोलने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बोलने के बाद ही करेंगे, तो अब बात होने लगी है कि कॉल आप 112 कीजिए या फिर टैग कीजिए पुलिस को ट्विटर के ऊपर। तो ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, जब एस्पिरेंट्स भी ये कहते हैं भैया मत देखो बिल्कुल भी, टाइम वेस्ट है सोशल मीडिया, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया भी आपको, या ऑनलाइन एजुकेशन या हाइब्रिड मॉडल जैसा हम प्रमोट करते हैं, या पर्सनलाइज मेंटोरशिप जैसा, वो भी आपको एग्जाम के बहुत नजदीक लेके जा सकता है। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, जब आपको समझ में आएगी तो ही आप चीजों को समझ पाएंगे। अगेन इंडिया एंड बांग्लादेश स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ बढ़ने की बात हो रही, कल ही हमने इस पर चर्चा की थी, कल ही हमने, आप अगर प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत डिटेल में पता चलेगा कि इंडिया एंड बांग्लादेश एक दूसरे की पार्टनरशिप से कैसे बढ़ रहे हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात और भी करेंगे। अभी हर सिटी की न्यूज है, अगर मैं दूसरी सिटीज की बात करूँ तो बेंगलुरु की बात अगर मैं करूँ तो बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ इनसेसेंट रेन्स, आधा से ज्यादा बेंगलुरु डूब गया है, और बेंगलुरु डूबने का कारण है क्लाइमेट चेंज या वेदर पैटर्न। और आपसे अगर पूछा जाए कि भाई क्या इनोवेटिव सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड करोगे, अगर आप अभी अगर वहाँ डिप्टी कमिश्नर होते, अगर आप वहाँ अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते किसी डिस्ट्रिक्ट के, तो आप क्या करते? और अगर वहाँ पे कोई अभी भी है अभी, तो वो कुछ क्यों नहीं कर पाया? बस आपको इतना ही सोचना है, उस ये सोचने के बाद आपके आर्टिकल्स और आपकी किताब की बातें तो वैसे ही आसान हो जाएंगी। एक केस स्टडी है, एक पर्सनैलिटी का नाम है सुरेश्वर सिन्हा जी, जिनको ग्रैंड ओल्ड रिवर वॉरियर कहा जाता है, जिन्होंने यमुना के लिए बहुत कार्य किया शुरू से, एथिक्स के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं, एक लोकल फिगर है, एक जेन्युइन फिगर है, और आपको स्कोर करने में भी हेल्प हो सकती है। अब हम आगे चलेंगे, अब जो है फार्मर्स को फ्री पावर मिलेगी अगर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में आएगी, ऐसा KCR साहब का कहना है। बस आप नजर रखिए, डेवलपमेंट को देखिए, क्योंकि एग्जाम में बात ये नहीं आएगी कि फ्री क्या मिलेगा, बात ये आएगी कि पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है भारत में किस प्रकार का होना चाहिए। उत्तराखंड मस्ट बी द फर्स्ट चॉइस ऑफ इन्वेस्टर्स, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के जो हिल स्टेट्स हैं, हाउ दे कैन बिकम वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट और डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स पे, हाउ दे कैन बी अमेजिंग, सो यहाँ पर 6 पॉइंट तो ऑलरेडी दिए गए हैं। GI रजिस्ट्रेशन इज देयर, एंड देन पीसफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए, सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज होनी चाहिए, सिंगल विंडो मैकेनिज्म होना चाहिए, लीडर होने चाहिए, अचीवर्स इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। 6 पॉइंट तो मैंने आपको ही बता दिए, कोई भी क्वेश्चन आता है आपने टक 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 करके डाले और क्वेश्चन के चारों तरफ उसको अगेन उसकी ओरिएंटेशन से सराउंड किया। बिना दिमाग के कुछ भी डालेंगे तो सिंपल नहीं कहलाएगा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं कहलाएगा, दिमाग से काम करेंगे तो सिंपल भी होगा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी आएगा, और आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। आगे चलते हैं, तो दो एजेंडे हैं बांग्लादेश के हमारे साथ, एक है ट्रेड कनेक्टिविटी और एक है डिफेंस, आपको दो बड़े बड़े एरियाज मैंने बता दिए। एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि चंडीगढ़ में जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के IAS IPS ऑफिसर्स हैं या सिविल सर्वेंट्स हैं, उन्होंने पिछले 8 सालों में 1.63 करोड़ सिर्फ डोमेस्टिक ट्रेवल पे खर्च किया है, और कमाल की बात क्या है कि जितना उनको बजट सेंक्शन किया गया, जब बस वो थोड़ा सा ज्यादा, बस वो थोड़ा सा कम, एक RTI के अंदर ये जब बात पता लगाई भाई, तो सो एवरीवन हैड बीन सरप्राइज्ड। सो क्यों नहीं इमेज खराब होगी ब्यूरोक्रेसी की, आप सोचिए क्यों नहीं इसको औरा माना जाएगा, क्यों नहीं माना जाएगा कि IAS IPS बन के आप जो मर्जी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस रिगार्ड इज दैट अ PIL बाई पॉलिटिशियंस इज प्रेशर टैक्टिक्स, ऐसा कहना है सेंटर का सुप्रीम कोर्ट से, PIL बाई पॉलिटिशियंस इज प्रेशर टैक्टिक्स। तो क्या PIL वाकई
चीजों को बदलाव में लेके आती है हमेशा ही। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में बात की है और कई बार उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है कि PIL मस्ट नॉट बी यूज फॉर वेस्टेड एंड्स। तो ऐसा ही ED और CBI के जब चीफ की एक्सटेंशन बढ़ाई गई थ्रू ऑर्डिनेंस, देन PIL बीन्स पुट अप। तो आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है इसके बारे में, ये भी आप मुझे लिख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर यदि आप होते, इलेक्शन कमिश्नर होते, या आप CEO होते, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अगर मैं कहूँ, तो आप किस तरीके से आज के समय को हैंडल करते? जब रोल रिवाइज हो रहा है, देर विल बी मोर नंबर ऑफ पीपल एडेड टू इट ऑल्सो, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड देर इज अ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। सो कैन यू हैव सम आइडिया फॉर इट? अभी तक मैंने आज आपको इंटरव्यू के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चंस को ऐसे बताया कि जो आपसे कल को जब आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो आपसे पूछे जा सकते हैं। वी आर ट्राइंग टू इंगेज विद द न्यूज़पेपर एज इट इज कमिंग एंड एज इट इज रिक्वायर्ड। एक और इंटरेस्टिंग फिगर है जिससे आप सोसाइटी के एंगल को समझ सकते हैं कि चर्च ने अलाउ किया कास्केट लेस बरियल्स। कास्केट होता है, यदि आप कोई मूवी अगर आपने देखी है और उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी को अगर आपने देखा कि कैसे बरियल करते हैं, तो एक कास्केट यानी एक ताबूत बनाया जाता है और ताबूत में जो है बॉडी रखी जाती है। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम केरला में कैथोलिक चर्च ने ये इतना लंबा ट्रेडिशन, जो डेड को जो हम वुड के अंदर कास्केट में रखते थे उनको उन्होंने मना कर दिया, बल्कि अब वो इसके इसके बदले वो प्लेन लेनिन क्लोथ में, लेनिन का कपड़ा जिससे सूट सलवार भी बनते हैं या बाकी चीजें भी होती हैं, लेनिन के कपड़े में रैप करके उनको दफनाया जाएगा। वाई द क्वेश्चन इज दैट इट इज अ साइंटिफिक रीजन। कोस्टल एरियाज के अंदर अमाउंट ऑफ सैलिनिटी जो सॉयल में होती है बहुत ज्यादा होती है, एंड इससे जो है डीके हो जाता है कॉम्पोजिशन करने में। और ये पाया गया कि बॉडीज जो 5-5 साल पहले भी बरी की गई थी वो भी अभी अच्छे से डिकम्पोज नहीं हुई है। तो इससे क्या पता लगता है कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी ह्यूमैनिटी के हिसाब से ही बदली जाती हैं। इसमें कोई उन्होंने कोई धर्म को तोड़ नहीं दिया। अगेन आई एम गिविंग यू वन मोर केस स्टडी कि अगर आपके राज्य का, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट का, अगर आपके स्टेट का इंटरनल ऑडिट ये पाता है कि ICDS या कोई भी स्कीम है, जैसे MG नरेगा भी है, ICDS दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का जो राशन सप्लाई है उसके अंदर बोगस बोगस जो है बेनिफिशरीज हैं और ट्रक्स जो है सिर्फ पेपर पे दिखा दिए गए हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? कैन यू सजेस्ट मी 4 मेजर्स, 1, 2, 3, 4? अगर आप अभी सजेस्ट नहीं कर सकते तो कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिस थिंग्स मस्ट कम अप विद द प्रोसेस विद डिस्कशन, एंड दैट इज वॉट वी टीच थ्रू आवर कोर्सेस, दैट इज वॉट इज आवर USP। आज जैसे मैंने आपको कहा था, कर्नाटक इज अमंग द वेटेस्ट स्टेट्स विच हैज रजिस्टर्ड 34% से भी ज्यादा बारिश हुई है, और जो है रेनबो ड्राइव लोकेलिटी जैसे यहाँ पे दिखाया गया है सरजापुर, वो भी डूब गया है, बहुत सारे एरियाज डूब गए हैं। सिचुएशन इज सिलिकॉन वैली में बहुत ही ज्यादा हॉरिबल है एज फार एज रेनफॉल इज कंसर्न। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम, देर इज गोइंग टू बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ PM श्री, दैट इज प्रधानमंत्री, आई शुड से प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू NEP 20 दिस इज अ कॉन्सेप्ट विच इज कमिंग अप, यू कैन यूज इट समवेयर इन द एसे, समवेयर इन एथिक्स ऑल्सो। आपसे एक और मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो कि UPSC जनरल स्टडीज पेपर 2 में शायद इनडायरेक्टली भी आ सकता है, पेपर 2 के क्वेश्चन में, कि क्या इलेक्शन कमीशन को अलाउ करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को जो रिलीजियस नाम जिन्होंने रखे हुए हैं और जिन्होंने रिलीजियस सिंबल लगाए हुए हैं? आपका इस बारे में क्या कहना है जरूर बताइएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में APIL डाली गई है और सुप्रीम कोर्ट से बोला गया है कि भाई आप करी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को और गवर्नमेंट को नोटिस दिया है कि जैसे पॉलिटिकल पार्टी जैसे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग या फिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उनके नामों में मुस्लिम वर्ल्ड है, सो वेदर दे शुड बी अलाउड और नॉट, एंड सेम थिंग इज विद द हिंदू एकता आंदोलन पार्टी और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक फ्रंट एंड सो ऑन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का ये वायलेशन है, RPA 1950 एक्ट 1951 व्हिच इज बेस्ड ऑन सेकुलरिज्म। वी हैड डिस्कस्ड अबाउट पासिंग अवे अनफॉर्चुनेटली इन द एक्सीडेंट, बट लेकिन यहाँ एक केस स्टडी है जो आप एंथ्रोपोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इवन इन साइकोलॉजी यू कैन यूज इट, दैट व्हाई पीपल इन इंडिया सिटिंग ऑन द बैक सीट दे डू नॉट प्रेफर टू यू नो टैग ऑन सीट बेल्ट्स, वो क्यों नहीं लगाते? तो पहली बात, डिफरेंट डिफरेंट एटीट्यूड्स हैं कंप्लायंस के लिए। इंडियंस डू नॉट केयर अबाउट देयर सेफ्टी, अगर आप कहोगे तो उन्हें माइलेज चाहिए, उन्हें उन्हें स्पीड चाहिए, तो अपनी सेफ्टी के लिए वो इरेशनल हो जाते हैं। दूसरा जो है, इंडियंस डू नॉट वॉन्ट टू स्पेंड मोर ऑन द सेफर कार्स, क्योंकि
क्योंकि अभी जो है जब बात की गई आगे और पीछे पूरे एयरबैग्स लाने की बात होगी तो इंडस्ट्री ने भी रजिस्ट किया और शायद ये आएगा भी नहीं। फिर तीसरा जो है, इंडियन सफर फ्रॉम पुअर इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज। लॉ तो है लेकिन उनको इन्फोर्समेंट अच्छे से नहीं किया जाता। सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लेके आ जाने चाहिए। सेफ्टी सिस्टम अप्रोच आनी चाहिए। नेशनल हाईवे सेफ्टी ब्यूरो वर्ड आना चाहिए। तो ये जो मैं आपको की वर्ड्स बता रहा हूँ, ये आपके आंसर में, ये आपके थिंकिंग का पार्ट होना चाहिए। तो ये रेशनैलिटी है जिसकी वजह से हमें नुकसान भुगतान करना पड़ सकता है। प्रीलिम्स का डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट ईयर 2023 में कि लद्दाख में पहला फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व बन रहा है। जैसे यूनाइटेड नेशंस प्रोवाइड टैग टू टेंजिबल एंड इनटेंजिबल हेरिटेज, सिमिलरली दे ऑल्सो प्रोवाइड टैग टू डार्क स्काई रिजर्व। इट इज कमिंग इन द कोल्ड डेजर्ट रीजन ऑफ लद्दाख एंड इट इज फ्री ऑफ लाइट पोल्यूशन। ऐसी साइट चूज की जाती है। मिनिमम क्राइटेरिया जो है उसके लिए वही है, सी की स्काई की क्वालिटी एंड नेचुरल डार्कनेस, ये दो एरियाज हैं। तो ये रिजर्व जो है वो म्यूचुअल पार्टनरशिप में बनते हैं और वैल्यू ऑफ नेचुरल नाइट टाइम एनवायरनमेंट को देखा जाता है। सो इनको टैग मिला IDSA सर्टिफिकेशन टू द IDSA, दैट इज इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन। उसके पांच कैटेगरीज हैं जैसे इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क, इंटरनेशनल डार्क स्काई कम्युनिटीज, रिजर्व, सेंचुरीज एंड अर्बन नाइट स्काई प्लेसेस। तो जैसा मैंने कहा, WHO का टैग मिला एंड देर हैव बिन 195 साइट्स इन द वर्ल्ड। इंडिया में ये पहली साइट है और ये 4,500 मीटर्स, इट इज सिचुएटेड अबव सी लेवल इन द हेनले डार्क स्काई रिजर्व। PT के लिए आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और इसके अंदर जो है एक्सपर्ट्स फ्रॉम IIA, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु, दे आर सपोर्टिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम लद्दाख क्यों चूज किया गया, बिकॉज लद्दाख इज अ यूनिक कोल्ड डेजर्ट, हाई माउंटेनियस टेरेन है, टेम्परेचर बहुत ड्रॉप -40 डिग्री तक चला जाता है एंड लार्ज पार्ट ऑफ यूनियन टेरेटरी आर अनइनहैबिटेबल। इसीलिए एरिडिटी है, वेजिटेशन भी बहुत थोड़ा है, हाई एलिवेशन भी है, पॉपुलेशन भी बहुत थोड़ी है, तो लॉन्ग टर्म एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन पॉसिबल हो सकती है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म को बढ़ाने का। साइंटिस्ट जो है वो आउटरीच करेंगे या लोकल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, लोकल्स को ट्रेन करेंगे। तो 22 किलोमीटर रेडियस जो है हेनले ऑब्जर्वेटरी का, वो कोर पार्ट है डार्क स्काई रिजर्व का और उससे हम और आप भी कभी वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सारे व्हीकल्स को बैन कर दिया जाएगा हाई बीम लाइट्स यूज करने के लिए भी। हाउसेज विल बी इंकरेज टू यूज कर्टेन्स ऑफ डार्क शेड्स और लाइट रिफ्लेक्टर भी जो है शील्ड्स की तरह यूज किए जाएंगे और जितना भी अनवांटेड इल्यूमिनेशन है वो बंद किया जाएगा, वैसा भी वो अच्छी बात है। I'm coming back to a very important international relations question of general studies paper 2, where you have to understand future question. पहले भी आ चुका है लेकिन क्वेश्चन फिर वही आएंगे। कंट्रीज भी वही हैं, देश भी वही हैं, एग्जाम भी वही है, प्रॉब्लम्स भी वही है, तो क्वेश्चन भी सेम ही होंगे लेकिन डिफरेंट ओरिएंटेशन से आएंगे। जापान अगर अपने नेशनल सिक्योरिटी विजन को रिकास्ट कर रहा है तो इंडिया का जो 2+2 डायलॉग है जापान के साथ, उसमें क्या चेंजेस आने चाहिए। इंडिया और जापान का बहुत ही एक सस्टेनेबल रिलेशनशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। क्या होती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? That means they both are with each other in terms of need and they are both together in terms of dire circumstances. यानी दोनों के कॉमन इंटरेस्ट है इंडो पैसिफिक को ओपन और फ्री रखा जाए। क्वाड्रिलेटरल जो क्वाड बनाया गया था जो US और ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसके भी दोनों बहुत ही ज्यादा लिंचपिन की तरह है। इंडियन और जापानीज की जो ब्यूरोक्रेसीज हैं, उन्होंने डिफेंस ब्यूरोक्रेसीज ने अपने आप को एग्रेसिव शो करने से हमेशा मना किया है, लेकिन अब टाइम आ गया है बिकॉज ऑफ द चाइनीज एग्रेशन की दोनों को नए स्टेप्स लेने पड़ेंगे। यानी कि जो हेजिमोनी चाइना इज ट्राइंग टू शो, हेजिमोनिज्म विच चाइना इज ट्राइंग टू शो, उसके टक्कर लेने के लिए आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। सो एज इन द हिमालयस, सिमिलरली इन द वेस्ट पैसिफिक, जहां पे जापान लीडर है, बीजिंग ने अपने आप को यूनिलेटरली स्टेट टेरिटरी को, जो टेरिटोरियल स्टेटस है उसको अपने आप को चेंज करने की कोशिश की। इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं चाइना इज ए बिलिजरेंट नेशन। बिलिजरेंस एक वर्ड है, वो इसका अर्थ यही होता है। तो इसीलिए जापान जो है वो एक मैसिव डोमेस्टिक डिबेट में है कि वो अपने करंट डिफेंस और अपनी इंटरनेशनल ओरिएंटेशन पॉलिसी को कैसे चेंज में लेके आए। वो अपने नेशनल कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है, वो एक रियलिस्टिक डिप्लोमेसी को प्रमोट कर रहा है, वो डेटरेंस को कर रहा है, डेटरेंस को फंडामेंटली अपने आप को डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ा के अपने आप को डेटरेंट बना रहा है। और इस चक्कर में इंडिया का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जो साइज है जापानीज इकोनॉमी का, जो थर्ड लार्जेस्ट है, उसका बहुत ही छोटा पोर्शन वो डिफेंस बजट के लिए यूज करता है। जापान अभी भी 9th लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर है वर्ल्ड का, लेकिन अगर उसको डबल कर देगा वो, तो उसको 3rd लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर बन जाएगा जापान, आफ्टर US एंड चाइना। तो आप सोचिए कि साइज और बजट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जापान अपने इस एक्स्ट्रा मनी से क्या कर सकता है, क्या
क्या इंडिया इसके अंदर कुछ हेल्प हो सकती है, क्या इंडिया इसमें जुड़ सकता है? तो काउंटर स्ट्राइक वेपन्स अगर चाइना के अगेंस्ट में अगर वो तैयार करता है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को तैयार करता है, तो इसका मतलब यही है कि चाइना इस मिसाइल एर्सनल जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे जापान भी चाहेगा कि वो अपने आप को बचा सके, क्योंकि जापान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं है, और यूएस जो है वो उनके साथ ट्रीटी है, देर आर ऑब्लिगेशन, एंड रशिया जो है उनको डेवलप नहीं करता, रशिया डो नॉट डेवलप एंड डिप्लॉय लॉन्ग रेंज मिसाइल इन एशिया। ये अब चेंज हो जाएगा क्योंकि जापान एंड यूएस जो है वो दोनों कन्फ्रंट कर रहे हैं चाइना को। तो इसलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स वो बात कर रहे हैं कि चाइना को टैकल करने के लिए जापान मस्ट हैव लॉन्ग टर्म यू नो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। इसीलिए जो है इंडिया का रोल भी बढ़ जाता है, डिफेंस कैपेबिलिटीज अगर जापान अपनी बढ़ाता है। दीज मिसाइल्स जो है बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट होंगी और उनके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स भी हो सकता है, कन्वेंशनल वॉरफेयर, कन्वेंशनल वेपन्स के अलावा। तो नई जो जापानी स्ट्रैटेजी है वो एक स्ट्रॉन्गर डिफेंस पार्टनरशिप बनाने की इंडो पैसिफिक में है, इंडिया का उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, टोक्यो जो है इंडो पैसिफिक कंट्रीज की डिफेंस कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करना चाहता है। चाइना इज अक्यूजिंग जापान कि भाई आप अपने लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैंड को आप अबॉलिश कर रहे हो, आप पैसिफिस्ट पाथ को तोड़ रहे हो, आप पीस को डिस्टर्ब कर रहे हो, आप स्टेबिलिटी को खराब कर रहे हो, लेकिन नया जापान अपोलोजेटिक नहीं है अपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अपने बिहेवियर के लिए। टोक्यो एंड बोथ इंडिया दे बिलीव दैट उनको डेटरेंट क्रिएट करने ही पड़ेंगे। तो अर्ली 20th सेंचुरी वो जो इंडिया का जो एक गोल था एशियन सॉलिडारिटी का, बीजिंग का साथ एक रोल था नॉन अलाइनमेंट का, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। तो चाइना और इंडिया दोनों ही, इंडिया और जापान दोनों ही अपने इनिबिशंस को तोड़ रहे हैं, एंड दैट इज हाउ इट कम्स कि अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद जापान, हाउ डू यू थिंक दिस एलिमेंट ऑफ डिफेंस यू कैन राइट इन 20 वर्ड्स व्हेन इट कम्स इन द मेंस क्वेश्चन। तीस्ता वाटर शेयरिंग, अभी अभी एटलस खोलिएगा और देखिए कि आखिर बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर के जो रिलेशन है उसमें तीस्ता वाटर शेयरिंग का इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों है रीजनल स्टेबिलिटी। क्योंकि बांग्लादेश ने एंटी टेररिस्ट ग्रुप्स इट हैज स्टॉप्ड एंटरटेनिंग, बांग्लादेश हैज स्टॉप गिविंग एनी सपोर्ट टू अल्ट्रा रेडिकल ग्रुप्स विच आर एक्चुअली डेट्रीमेंटल टू रीजनल पीस एंड ऑल्सो नॉर्थ पीस इन द नॉर्थ ईस्ट। इंडिया के एंटी कोविड वैक्सीन डिप्लोमेसी से भी देयर हैज बीन सपोर्ट जनरेटिंग इन बांग्लादेश, बट द क्वेश्चन अराइजेज दैट हाउ इंडिया चाइना रिलेशन को बांग्लादेश बैलेंस करेगा। चाइनीज मिनिस्टर चाइनीज गवर्नमेंट इज क्लेमिंग दैट दे आर हैविंग अमेजिंग रिलेशंस एंड दे आर हैविंग मोस्ट रिलायबल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश इज क्लेमिंग दैट व्हाट हैज हैपेंड टू श्रीलंका बिकॉज ऑफ द लोन टेल्स, लोन जो जापानीज जो चाइनीज लोन एप्स जब आम आदमी को जीने नहीं देते तो वो बड़ी कंट्रीज को कैसे जीने देंगे। तो इसीलिए इंडिया ही का रोल इंपॉर्टेंट रह जाता है, यानी कि इंडिया की जो लिंक्स हैं आप समझ लीजिए, वाटरवे आपको याद रखना है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे आपको याद रखना है, आपको इनलैंड वाटर मेकिंग का जो रूट्स हैं वो याद रखने हैं, आपको भूटान और नेपाल के साथ जो बांग्लादेश ट्रेड को प्रमोट करने की बात है वो याद रखना है, और अपने आप में पूरा का पूरा आंसर हो जाता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक सोल 1600 मेगावाट इफ ए प्लांट इज एनर्जी कॉपरेशन के लिए अगर बात की जाती है अडानी ग्रुप का झारखंड में, और उसकी जो है पावर मतलब जो है उसकी पावर जो मतलब जो उसकी पावर है वो बांग्लादेश जाती है, आप सोचिए। तो यानी कि क्या हो सकता है इंडिया बांग्लादेश के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीपा, बस आप इतना सा समझ लीजिए और आपका एक आईआर का टॉपिक कवर हो गया। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ उठाता हूँ, हम सब लोग क्योंकि आईएएस आईपीएस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत पावर होती है, बहुत ज्यादा रुतबा होता है, तो लेकिन क्या किसी सीनियर आईएएस ऑफिसर को या सीनियर सिविल सर्वेंट को, इवन जूनियर सिविल सर्वेंट को भी, या किसी भी अधिकारी को बिना किसी गलती के लिए, बिना गलती के लिए या गलती के द्वारा भी क्या पब्लिक में डांटना उसको सही होगा? ये क्वेश्चन बहुत अधिक सोचने का है, आखिर क्यों डांटा जाए? और खासकर इस बात के लिए यदि डांट पड़ी हो कि आपने जो है प्रधानमंत्री साहब का फोटो जो है आपने पीडीएस के राशन बैग्स पे नहीं लगाया, तो क्वेश्चन यह उठता है कि क्या प्रधानमंत्री साहब की वजह से वो स्कीम चल रही है कि या क्या भारत सरकार की वजह से स्कीम चल रही है। आर्टिकल का यह भी कहना है कि सोचने की बात यह है कि क्या गलती सिर्फ इतनी सी है कि प्रधानमंत्री का फोटो नहीं लगा, क्या लोगों को कोई एहसान दिया जा रहा है कि ये टैक्स पेयर्स मनी है? तो इस तरह के क्वेश्चन जब उठते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि लॉजिकल और रेशनल बात क्या है। तो वेलफेयर स्कीम जो है वो किसी इंडिविजुअल लीडर की वजह से नहीं हो रही है,
इंडिविजुअल स्कीम्स जो है वो पूरे के पूरे जो भी स्कीम आती है वो भारत सरकार की देन है, राज्य सरकार की देन है, उसमें सरकारें तो आती जाती रहेंगी। जनता का व्यवहार, जनता की सोच, जनता के विचार सबसे प्राइम है। तो इसीलिए आर्टिकल ये क्लेम करता है कि राइट्स, सिटीजन के राइट्स हैं। तो कोई भी कितना पावरफुल मिनिस्टर हो, पार्टी में उसकी उनकी इमेज तो ग्रो हो सकती है इससे, लेकिन उससे राइट मैसेज नहीं जाएगा। हमारी सोसाइटी में पहले ही बहुत ही डीप इनइक्वालिटीज हैं, हायरार्कीज हैं, तो उसको कैसे संभाला जाए। इसीलिए बहुत बार हमारे सिविल सर्वेंट्स भी इसीलिए बहुत ज़्यादा हाई हैंडेड बिहेव करते हैं और हमें उसके लिए भी आम जनता को सफ़र करना पड़ता है। इवन कपल ऑफ माई स्टूडेंट्स, दोज हु आर इन टू पावर एंड दे आर हैंडलिंग इट वेल, अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा कभी ऐसे कोई मैसेजेस या न्यूज़ पढ़ने को नहीं मिली, इक्का दुक्का को छोड़ के, जहाँ मैं कहूँ कि यार इसने तो इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी। हाँ, एक ने जरूर बहुत बड़ी गड़बड़ की थी, एंड ही हैड टू पे द प्राइस फॉर इट। वी विल डिस्कस इट समटाइम लेटर। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि कल हमारे जो इलेक्शंस, आई मीन टू से जो भी टोरी जो लंदन में, इंग्लैंड में जो प्राइम मिनिस्टर के जो चूज करने की बात हो रही थी, जो बहुत अधिक जो है ब्रिटिश ब्रिटिश में जो इतना चल रहा था इतने दिनों से, बोरिस जॉनसन के बाद, देन मार्गरेट थेचर के बाद एक तीसरी वुमेन प्राइम मिनिस्टर चुनी गई, तो क्वेश्चन ये उठता है कि ऋषि सुनक आखिर हारे क्यों। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कभी, या आपकी एक सोच डेवलप करने के लिए मैं आपको एक केस स्टडी की तरह बता रहा हूँ कि उनके हारने का कारण रहा कि वो टोरीज को, खासकर टोरी पॉलिटिशियंस के बाद जो ग्रास रूट जो टोरी के फॉलोअर्स थे उनको अपनी बातों से कन्विंस नहीं कर पाए। पब्लिक फाइनेंसिस में अगर छूट बहुत ज़्यादा दे दी जाएगी और टैक्स कट कर दिए जाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए टोरी लीडरशिप, टोरी जो पावर में है, लेबर होता है, एक टोरी होता है, तो टोरी जो पावर में है उनका ये कहना है कि भाई हम तो जो जो इन्फ्लेशन है वो भले ही बढ़ जाए, हम तो टैक्स कट करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस आम ब्रिटेन वासी के लिए बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इन्फ्लेशन इज मोर देन 10%, टैक्स कट करना क्या रियल टाइम सॉल्यूशन रहेगा। तो आपने भी मैक्रो इकोनॉमी पढ़ी है, आपने भी इंडिया के फंडामेंटल के हिसाब से आपने सोचा, तो आप सोचिए आपके हिसाब से क्या उत्तर होना चाहिए, और आप साथ साथ में ये भी सोचिए कि कारण क्या हो सकते हैं भाई उनके होने के। यूक्रेन एक क्वेश्चन है, मैंने माना यूक्रेन क्वेश्चन में आप मदद करते रहेंगे, लेकिन वो अभी आने वाले टाइम पे तो ठीक होने वाला है नहीं, देयर इज इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। दूसरा, जो उसकी वजह से एक्स्ट्रा स्पेंडिंग हो रही है, जो उसकी वजह से आप जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और जो चीजों को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो वो कैसे चलेगा। ये अगर सीए सब नहीं हो पाएंगे तो अगले इलेक्शन में ब्रिटेन में लेबर पार्टी का आना तय है। लास्ट में आर्टिकल कैसे कंक्लूड करता है अपने आप को, अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। तो इसी बहाने आपने एक प्रोवर्ब भी सीखा कि इसका यूज कैसे किया जाता है। टीवी शंकर नारायणन ने एक बहुत ही फेमस कर्नाटिक सिंगिंग के मेस्ट्रो थे। कर्नाटिक म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक दो पार्ट हैं, 13वीं शताब्दी के बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और हमने बात की कर्नाटिक म्यूजिक की। एम एस सुब्बुलक्ष्मी भी एक बहुत फेमस कर्नाटिक म्यूजिशियन रही है, प्लीज उनको गूगल करके देखिए, क्योंकि उनको बहुत ऐसे अवार्ड्स और ऐसा उनको रिकग्निशन मिली है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आप सिर्फ हैरान नहीं रहेंगे, यू विल बी प्राउड ऑफ अवर कॉन्ट्रीब्यूशन। अब मैं बात करता हूँ जस्टिस हिज एक्सीलेंसी एन वी रमन्ना साहब की। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कैसे जुडिशियल जूरी प्रूडेंस में उसका रोल आता है। पीटी और मेंस दोनों के आइडिया हमारे इस आर्टिकल से हमें मिलते हैं। ओवरऑल टेन्योर एक एपेक्स कोर्ट में जस्टिस का अराउंड 5 से 5.5 साल होता है, और एवरेज टेन्योर एक सीजीआई का 1.5 साल के आसपास होता है। तो एक वर्ड हमने नया सीखा आज, इंडियन जुडिशियल डेमोक्रेसी, जो आप अपने आंसर्स में लेके आ सकते हैं, पब्लिक डिबेट में भी लेके आ सकते हैं। इसीलिए ग्रेट जुडिशियल पावर चाहिए, ग्रेस के साथ चाहिए, ह्यूमिलिटी के साथ चाहिए। ह्यूमिलिटी यानी कि आप शांति से आप सही बात करते हैं, लेकिन आप फर्म और करेज होके बात करते हैं। तो दो यहाँ पर डिवीजन किए गए हैं, एक तो आप कहिए कि एडुकेटरी लीडरशिप, यानी जो आपने कोर्स किए, जो आपने एज ए जज आपने जो डिसीजंस दिए, वो आ गई आपकी मुझे कहना चाहिए एडुकेटरी लीडरशिप। तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो है एडुकेटरी लीडरशिप, और दूसरी आपकी आ गई हर्मिनिटिकल, सोशियोलॉजी का टर्म है हर्मिनिटिकल, यानी कि इंटरप्रिटेटिव, आप इंटरप्रेट कैसे करते हो। तीसरा हो गया आपका जुडिशियल लीडरशिप, HJLOAL। कहीं कहीं आप ऐसे में पेपर 2 के आंसर में वाई सुप्रीम कोर्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डियन ऑफ 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 इंडिया, और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या रिलेशनशिप है या कैसे वो इवॉल्व हो रहा है, उसके आइडिया शायद आपको यहाँ से मैं कुछ ना कुछ देना चाहूंगा। तो जस्टिस रमन्ना साहब ने ना सिर्फ अपॉइंटमेंट भरे, बल्कि उन्होंने जो है ट्राइब्यूनल्स के भी 100 वैकेंसीज को पूरा किया। यानी कहने की बात यह है, आप अपने आंसर में भी लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहली बार 34 जजेस की स्ट्रेंथ से काम किया,
और पहली बार ऐसा हुआ कि तीन वुमेन जजेस को एलिवेट करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर में लाए। कहने का मतलब है देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इन इन नियर फ्यूचर इन सम टाइम वी विल फाइंड अ वुमेन जज ऑल्सो बीइंग एससीजेआई। इसीलिए जुडिशियल और लॉ रिफॉर्म से उन्होंने बहुत जोर डाला। उन्होंने अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पे बहुत जोर डाला, यानी मिलियंस ऑफ लोग अगर बैठ के बात करें, नेगोशिएट करें, मीडिएशन को हम मैंडेटरी बना दें तो आधे ज़्यादा हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हर चीज़ कोर्ट में जाके सॉल्व नहीं होती है, न्यायालय है हमारी, मीडिएशन और आर्बिट्रेशन सेंटर्स हैं, उनसे हमारा काम भी होना चाहिए। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट किया, उन्होंने जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया। गूगल करके देखिए, जुडिशियल डेवलपमेंट, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, JIDC। और अगर हम बात करते हैं उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस में क्या किया, जैसे मैंने पहले कहा उन्होंने बेनामी ट्रांजेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2016 को उन्होंने जो है और आगे उन्होंने कंक्लूसिवली प्रमोट किया, उनको और ज़्यादा नैरो डाउन किया। उन्होंने जो है जुडिशियल कंपास को और क्लियर किया। ये बात नहीं है कि आंख मूंद कर वट एवर इज देयर ही वॉज जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग इट, ही वेंट ऑन टू ब्रिंग द राइट एलिमेंट्स बाई ब्रिंगिंग रिकंसिडरेशन इन टू द एक्ट इन द रिसेंट PMLA रिव्यू, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट। ही सेड दैट इन केस वेयर देर इज नो FIR, वेयर देर इज नो नो यू नो मुझे कहना चाहिए कोई नोटिस भी नहीं है उस तरीके से, तो उस डिसीजन को उन्होंने यू नो रिव्यू करने के लिए बोला। दैट्स व्हाट आई कैन से। तो इक्वली इंपॉर्टेंट है उनका इस बात पे इंसिस्टेंस कि आप फ्रीबी कल्चर को उन्होंने बात करने की बात की। दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग दैट ही वाज सच अ पर्सनालिटी। विदाउट टेकिंग हिज नेम यू कैन टॉक व्हाट जुडिशरी, जो क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो जुडिशरी कर रही है, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। फिर उन्होंने पेगासस केस के अंदर ही वेंट ऑन टू से दैट गवर्नमेंट डिड नॉट कोऑपरेटेड, उन्होंने उसके लिए डायरेक्ट रखा और उसके लिए उन्होंने बोला कि प्राइवेट राइट्स एंड लिबर्टी मस्ट बी देयर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कपल्ड विद द ड्यूटी टू इंटरप्रेट इट, यही है हमारी पॉलिटी का सार। यहाँ कितना अच्छा एक कोट दिया गया है कि फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 32 यही है कि आप ना सिर्फ इंटरप्रेट कर सके बट उसको अफर्म करके फंडामेंटल तरीके से आप समझ भी सकें। क्योंकि क्योंकि अनलिमिटेड पावर जब हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो अनलिमिटेड पावर नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है। वो कोई कॉस्मिक पावर नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुप्रीम कोर्ट का राइट है, जो जुडिशरी का राइट है, वो तो यूज किया ही जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्चर को उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया। तो इसीलिए क्या कहा गया CJI के बारे में, रमन्ना साहब के बारे में, कि वो क्या है, सिटीजन्स जज हैं वो। तो ये अपने आप में एक ऐसे हो गया, ये अपने आप में एक मिनी ऐसे हो गया। इसी तरह से अगर मैं आपको एक जर्नी पे और लेके चलूं, इन शॉर्ट तो पॉइंट ये है कि भाई कैसे हमारे 150 साल के इतिहास के अंदर सेक्शन 377 जब हटाया गया, सेक्शन 377 के हटाने से सारे सिटीजन्स को भारत में, जो कोई भी उनका यू नो उनका अगर मैं एक ओपन वर्ड यूज करूँ, LGBTQ कम्युनिटी के लिए, जो LGBTQ कम्युनिटी है, LGBTQ गूगल कीजिएगा तो आप समझिए उसके लिए भी दरवाजे खोल दिए गए इक्वालिटी के। रिसेंटली जौहर केस में जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ ने जो है उन्होंने कहा कि LGBT कम्युनिटी के मेंबर्स को भी वही सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो राइट्स बाकी आम आदमी को भी हैं। उनकी भी फैमिली है, अगर आप सेम सेक्स के पार्टनर हैं तब भी आपकी फैमिली है। अगर आप कांस्टेबल थे और आपको जॉब से इसलिए निकाल दिया क्योंकि आपने सेम सेक्स के पार्टनर के साथ आपने एफिलिएशन किया, तो ये गलत है। आपको भी उतना ही राइट है अपने टाइप की लाइफ को जीने का, क्योंकि इन बातों को प्राइवेट माना गया, सेक्सुअल ओरिएंटेशन को प्राइवेट माना गया। शुरू में 2013 में जो है ये जो जुडिशरी का जो व्यू था इसके बारे में, दैट वॉज नॉट वेरी प्रोग्रेसिव, बट लेटर ऑन द कोर्ट वेंट ऑन टू यू नो चेंज इट्स पर्सपेक्टिव इन द पुट्टू स्वामी केस। पुट्टू स्वामी केस के अंदर कुशाल जो कौशल जो केस है इसको लिया गया और जस्टिस चंद्रचूड़ ने कौशल के अलोंग लिखा कि ये ADM जबलपुर की तरह केस है। तो गूगल करिएगा ADM जबलपुर का केस, बहुत ही फेमस है हमारी हिस्ट्री में। और आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं जनरल स्टडीज पेपर 2 में, वो डायरेक्ट नहीं आते हैं, दे आस्क यू टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन, तो वो हम पेपर के थ्रू कर ही रहे हैं। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं डेली असाइनमेंट्स देता हूँ, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप उस पर काम कीजिए एंड देन यू कैन सबमिट टू मी। तो जर्नी जो रिक्लेम करने की कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स की, LGBT की, तो वो एक जो है पोस्ट जौहर, जो जौहर केस के बाद की जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ उससे बस वही बात है कि राइट मिल गया सेम सेक्स के पार्टनर्स को। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं इलाहाबाद कोर्ट के, आंध्र प्रदेश के और बाकी कोर्ट्स के भी, जहाँ पर जो है मद्रास हाई कोर्ट में फॉर एग्जाम्पल देर वॉज यंग टू यंग वुमेन इन रिलेशनशिप, उनको फिर माना गया। उसी तरह से नेशनल मेडिकल कमीशन को भी ऑर्डर दिए गए हैं कि वो जो है ऐसे लोग जो थेरेपी प्रैक्टिस करते हैं
कि भाई क्वीर्स को हम करेक्ट कर देंगे, ये तो एबनॉर्मेलिटी है, ये तो सेक्सुअल एबनॉर्मेलिटी है। हमारे यहाँ के बहुत फेमस कुछ बाबा भी टेलीविजन से लेके सब जगह इन चीज़ों को बहुत ही डिरोगेटरी तरीके से बोलते हैं, तो उसके लिए भी मेडिकल काउंसिल ने रूल बनाया और कहा है कि इट इज़ अनफेयर एंड इट मस्ट नॉट बी डन लाइक दैट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस कम्युनिटी को पीछे छोड़ना। डेमोक्रेसी इट सेल्फ वॉन्ट्स दैट एवरीबडी शुड मूव फॉरवर्ड। एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है, मेटर्निटी लीव भी मिलनी चाहिए, बाकी चीजें भी होनी चाहिए। तो फैमिली का अर्थ सोशियोलॉजी के पेपर टू की अगर हम यहाँ चर्चा करें तो फैमिलियल रिलेशनशिप के फॉर्म जो है बहुत सारे हो सकते हैं। हाउस होल्ड एक सिंगल पेरेंट का हो सकता है, लेकिन कोर्ट वॉन्ट्स टू से कि हाउस होल्ड का मतलब यहाँ पर सिर्फ सिंगल पेरेंट नहीं है, उसका मतलब ये भी है कि जो भी दो लोग जुड़ के रहेंगे वो भी उतना ही उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो ये मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू दिया, ये आप एस्से में यूज करेंगे, केस स्टडी में यूज करेंगे, और कहीं पे भी अगर डायरेक्ट यूज नहीं हो रहा तो कम से कम कल को आप जो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं और आपका जो विजन चाहिए उसमें ये कम से कम आना चाहिए। पाकिस्तान में जो फ्लड है, मैं बस इतना कहना चाहूंगा, क्या उससे इंडिया को कुछ सीखना चाहिए? क्या इस बार जो पाकिस्तान में जो फ्लड आई राजस्थान से, जो सीधा का सीधा मानसून साउथ पाकिस्तान में पहुंच गया डायरेक्टली फ्रॉम राजस्थान एंड गुजरात, उससे क्या इंडिया को भी कुछ वार्निंग मिलनी चाहिए? आज पाकिस्तान है, कल इंडिया का भी नंबर जगह जगह होगा, और डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज का है। तो क्या इन, मैं एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि इन फ्लड्स को क्या हम नेचुरल डिजास्टर भी कहें या नहीं कहें? डोनर फटीग हो चुका है दुनिया में। अरे एक तरफ यूक्रेन के लिए डोनेट करो, एक तरफ अफ्रीका में जो हो रहा है उन चीजों के लिए करो, और पाकिस्तान भी, तो फिर सोचने पर आपको मजबूर होना पड़ता है कि देश और विश्व किस दिशा में जा रहे हैं। इकॉनमी में देर आर नॉट मेनी आइटम्स, बट देन स्टिल आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू वन एलिमेंट दैट हमारे मैक्रो फंडा हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स आर सो स्ट्रांग दैट वी दैट आवर आरबीआई गवर्नर इज सेइंग दैट दैट इवन इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट वोलेटिलिटी वी आर गोइंग टू रिमेन वेरी वेरी स्ट्रांग इन आवर रिफ्लेक्शन। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, और अभी रिसेंटली जो कॉमोडिटी प्राइसेस जो सॉफ्ट हुए हैं, सप्लाई चेन प्रेशर जो इरेज जो थोड़ा सा ईज हुआ है, उससे जो है हमें इन्फ्लेशन में हमें थोड़ी सी राहत मिली है। सो आई एम गिविंग यू अ टर्म, जैसे इंडिया में सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्लीज चेक कीजिए। उसके बाद इंडिया की जो बास्केट है क्रूड ऑयल की, क्रूड प्राइस ऑयल की, दैट इज फॉर्मिंग वन ऑफ द मेजर बेसिस। शिफ्ट जो है कमोडिटी प्राइसेस में जब जब होंगे, अगर वो ईज डाउन होते हैं देन इंडिया इज गोइंग टू हैव मच बेनिफिट। इसीलिए हम यहाँ अगर एक वर्ड यूज कर रहे हैं नेसेसरी स्टिमुलस, तो क्या आप मुझे पांच ऐसे टूल बता सकते हैं जिससे नेसेसरी स्टिमुलस को आप बढ़ाएंगे? ऐसे ही पीटी के लिए एक टर्म है आरबीआई का सैंडबॉक्स स्कीम। तो सैंडबॉक्स स्कीम का मतलब यही होता है कि एक लाइव टेस्टिंग होती है नए प्रोडक्ट की या सर्विसेज की कंट्रोल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में। एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के अंदर नए प्रोडक्ट की टेस्टिंग होगी और तब उसको अलाउ किया जाएगा जब वो टेस्ट को पास कर लेगा। तो प्रिसीजन बायोमेट्रिक टेस्ट है जो कि एचडीएफसी ने लिया, और एचडीएफसी चाहता है कि वो जो है मर्चेंट्स कस्टमर्स और मर्चेंट्स को जो पे और पेमेंट की रिसीव और पेमेंट जो पेइंग का है वो ऑफलाइन मोड में भी हो सके, उसके लिए वो कार्य कर रहा है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू द ट्रस्ट हैज बीटन सुनक टू बिकम द यूके पीएम, एंड वी हैव डिस्कस द डिसीजंस आल्सो कि उनके और उनमें क्या फर्क था, और जो है डिप्लोमैट थी अब उन्होंने कंट्रोल ले लिया है, तो वी विल सी टू इट। चिली के अंदर वी वर डिस्कसिंग जो प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे थे इन आवर प्रीवियस इंटरेक्शन ऑफ द वीडियो विच यू मस्ट वॉच, उसके अंदर हम कह सकते हैं कि अभी का जो है वो मना कर दिया है, तो इससे पता लगता है कि जनता सुप्रीम है। और एक इंटरेस्टिंग और एक यू नो लाइट हार्टेड न्यूज़ भी मैं आपसे शेयर कर दूं कि टाइटेनिक जैसे आप स्पेस में जाके देखना चाहते हैं, वैसे टाइटेनिक जो डूबा था उसके लिए भी डीप सी टूरिज्म को बढ़ाने की बात कर रही है। तो क्यों ना भारत का द्वारका भी ऐसे देखा जाए। इंडिया के भी आर्कोलॉजिकल हेरिटेज है बहुत डीप, और टाइटेनिक को आप आर्कोलॉजिकल हेरिटेज कहना भी चाहेंगे कि नहीं? और आप अगर आपके पास अगर यूएस आई मीन टू से अगर आपके पास US$2,50,000 हैं, नॉट पाउंड्स, $2,50,000 हैं, तो क्या आप डीप सी टूरिज्म में जाएंगे? जरूर मुझे लिखकर बताइए। कमिंग टू द स्पोर्ट्स विच इज नॉट द एंड बट द बिगनिंग ऑफ एनी यू नो सक्सेस, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यूएस ओपन इज गोइंग ऑन एंड वर्ल्ड नंबर वन मेदवेदेव उनको हराया निक किर्गोस ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। विद दिस वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर ब्रिंगिंग क्वेश्चंस एंड आइडियाज। आई रिक्वेस्ट माई कैंडिडेट्स ऑल्सो टू वर्क ऑन इट, एंड रेस्ट ऑफ यू आर ऑल्सो वेलकम। थैंक यू वेरी मच।